आइए इस प्लान को डिटेल में डिस्कस करते हैं। CFA रोड मैप विथ अंडर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स डिसिप्लिन पर वीडियो बना रहा हूँ। जॉब मिल रही है क्या? करियर बन रहा है क्या? हर कैंडिडेट का एक सिंपल सवाल होता है। ये कैंडिडेट्स बिकॉज अपनी लाइफ में कोई भी मुश्किल एग्जाम आज तक नहीं देके आए, मैं इस वीडियो में सिर्फ CFA पर फोकस करने वाला हूँ। और अपनी अंडर ग्रेजुएशन के बाद और फाइनेंस में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है, ध्यान से सुनिए। CFA roadmap with BCom, BBA, BFIA, जो भी नाम रख लो। CFA roadmap with undergraduation in commerce discipline पर वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास out of 100 candidates, 60 candidates undergraduate students आते हैं, meaning वो या तो first, second या third year में होते हैं। हर candidate का एक simple सवाल होता है। ये candidates because अपनी life में कोई भी मुश्किल exam आज तक नहीं देके आए, so these candidates are more pensive, थोड़े ज़्यादा चिंतित होते हैं। These candidates are worried कि सर हमारा CFA का एग्जाम क्लियर होगा भी, कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो जाएगा हमारे लिए। मेरा एक सिंपल सा जवाब होता है, अगर आप CFA के एग्जाम को अपने अंडर ग्रेजुएशन से कंपेयर करोगे, मतलब अगर आप यूं उठाओ CFA का पेपर और यूं उठाओ BCom का पेपर, और उसके बाद इस कंपैरिजन में बोलो कि देखो CFA तो बहुत मुश्किल हो गया, तो हाँ है मुश्किल, BCom आसान थी ना, ये लग रही है ना, BBA आसान है ना, जॉब मिल रही है क्या, करियर बन रहा है क्या, आई एम प्रीटी श्योर द आंसर इज हेल नो। मुझे ये पता है कि अंडर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स इज ब्लडी easy, but then it is not giving you any meaningful option, not giving you any meaningful career. I'm pretty sure about it. Sir, आप ऐसे disregard नहीं कर सकते हमको। अरे मैं भी under graduation में commerce का ही student रहा हूँ, मैंने भी BCom honors ही कर रखी है इंडिया के बहुत अच्छे colleges में से एक से। In fact, I was God's grace ranked amongst the finest. But then मुझे इस बात का बहुत अच्छे से इल्म था। I was very well aware of the fact that my learning through this program, through this course was not great. I was not suited to get into the best companies, into the best corporates, into the best job disciplines of this country. ये तो हुए problem statement. Solution क्या है? Under graduation को worthwhile बनाना ही पड़ेगा। कैसे? अगर आप core finance पे focus कर रहे हैं, तो CFA is a very good option, no doubt about it. There are other good options as well, like chartered accountancy, like FRM, like ACCA or CPA. मैं इस वीडियो में सिर्फ CFA पर focus करने वाला हूँ। मैंने दूसरे courses के बारे में अपनी दूसरी videos में बात कर रखी है। मैं editor साहब को कह दूंगा, वो यहाँ कहीं पे आई बटन लगा देंगे और आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप कोर फाइनेंस फोकस्ड हैं और अपनी अंडर ग्रेजुएशन के बाद कोर फाइनेंस में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है, ध्यान से सुनिए। आउट ऑफ दीस 70 कैंडिडेट्स दैट आई गेट, मोस्ट हैव प्लान्ड देयर एजुकेशन इन दिस मैनर दैट आई एम स्टेटिंग टुवर्ड्स यू। मैंने ही इनकी करियर ओरिएंटेशन, करियर प्लानिंग की है। सारे के सारे मोर और लेस इसी पाथवे पर चलने वाले हैं। आइए इस बीच को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो जैसा मैं कह रहा था, अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स आते हैं तो उसमें से 60-70 स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन में होते हैं और मैं सबकी करियर प्लानिंग इसी अकॉर्डिंग करवाता हूँ जो अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। हमारे मन में था कि क्यों ना हम अपने YouTube के बच्चों के साथ भी सेम प्लान, सेम ओरिएंटेशन डिस्कस करें, सो दैट यू कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। आइए इस प्लान को डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर आई इवन स्टार्ट डिस्कसिंग, लेट मी कांग्रेचुलेट यू। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट डिसीजन। मुझे पता है अंडर ग्रेजुएशन में इजी इजी पढ़ाई करके ये डर होना लाजमी है कि क्या हम CFA की मुश्किल पढ़ाई कर भी पाएंगे। बट लुक, टुडेज पेन इज टुमारोज गेन। आज थोड़ा दर्द हो सकता है, बट द फ्यूचर विल बी अ लॉट मोर रिवॉर्डिंग इफ यू डू दिस कोर्स versus if you would now have not thought of doing this course at all. आइए अब इस प्लान को मैं डिटेल में pointers wise discuss कर रहा हूँ। अगर आपकी इस पूरे के पूरे प्लान में कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिएगा। I'll try to answer all the queries. आइए अब प्लान डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर वन, अंडर ग्रेजुएशन में घुसते साथ ही अपनी लेवल वन CFA लेवल वन की इनरोलमेंट कर लें और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सर क्या हम एलिजिबल भी हैं CFA लेवल वन का एग्जाम देने के लिए इफ वी आर इन द वेरी फर्स्ट ईयर? द आंसर इज नो। आई एम सेइंग लेवल वन का एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करो व्हेन यू आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर अंडर ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन होती है 3 साल की, CFA इंस्टीट्यूट का नॉर्म है। जब आपकी ग्रेजुएशन में 24 महीने बचे हो तब आप एग्जाम अपियर कर सकते हैं। इजी भाषा में बोल देता हूँ, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट सेकेंड ईयर में अपना CFA लेवल वन का एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, इन द ईयर वन ऑफ योर कॉलेज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर लेवल वन एग्जाम्स, इन द सेकेंड ईयर ऑफ योर कॉलेज अपियर फॉर लेवल वन, थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में लेवल 2 का एग्जाम दे दे। अब एक बार सोच के देखो, दिस इज यू वर्सेज योर क्लासमेट।
आपके क्लासमेट ने 3 साल में अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट की. दिस इज यू हु हैज कंप्लीटेड ऑल 3 ईयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएशन. साइमल्टेनियसली आपने साथ साथ में 2 लेवल्स ऑफ CFA भी क्रैक कर लिए. एक बात सोच के देखना, आपको नहीं लगता कि क्या आप जॉब मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर या अपने क्लासमेट से बहुत ज्यादा मार्केटेबल है? द आंसर इज वेरी मच यस. अगर आपका 3 साल के बाद विचार है मेरे को तो अभी MBA करने के लिए जाना है, आपको नहीं लगता दैट द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ वेरी गुड कॉलेज बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल इज मच बेटर देन योर क्लासमेट जिसने सिर्फ और सिर्फ BCom किया है? द आंसर इज हेल यस. बट मुझे आगे किस तरीके से करियर प्लानिंग चाहिए होती है एक बार मैं वो बोल देता हूँ. मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में Level 1 की प्रिपरेशन करो अलॉन्ग विद फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन. सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में Level 1 का एग्जाम दे दीजिए और Level 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में Level 2 का एग्जाम दे दीजिए. मुझे ऐसा लगता है आपको अभी ये CAT, GMAT वगैरह नहीं देना चाहिए. 3 साल खत्म हुए, जो अंडर ग्रेजुएशन में सीखा है, जो CFA के 2 लेवल्स में सीखा है, उसके बेसिस पर एक अच्छी जॉब लेने की कोशिश करिए. अगर आपका CV इतना अच्छा होगा, 10-12 के मार्क्स अच्छे होंगे, 3 साल अंडर ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए होंगे, 2 लेवल्स ऑफ CFA कंप्लीट होगा, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल लैंड अप इन अ वेरी गुड जॉब. देयर वंस यू एंटर इनटू अ जॉब, कंटिन्यू इन इट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स. 2 से 3 साल जब कंप्लीट हो जाए, इसके साथ साथ में Level 3 का एग्जाम दो. अगर आप अपने स्पेसिफाइड प्रोफाइल, अगर आप अपने प्रेफर्ड प्रोफाइल में हैं, यू कैन जस्ट कंटिन्यू डूइंग योर जॉब. एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट को वैल्यूएशंस में अपना करियर बनाना था. दिस स्टूडेंट इज जस्ट एन अंडर ग्रेजुएट, ही डिड 2 लेवल्स ऑफ CFA विद मी एंड देन गॉट इनटू अ वैल्यूएशन जॉब. आज की डेट में वो Level 3 का एग्जाम अपीयर करने वाले हैं और साथ साथ में उनका वैल्यूएशन का एक्सपीरियंस 4 से 5 साल का हो चुका है ऑलरेडी. वो मुझसे जब पूछते हैं कि सर मैं करियर में और आगे क्या प्लान करूं, मैं कहता हूं कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से जॉब करने का प्लान करो और कुछ प्लान मत करो. सर मैं मास्टर्स इन फाइनेंस करूं, मैं MBA फाइनेंस करूं, मैं कोई भी और कोर्स करूं? माय आंसर इज नो, नॉट रिक्वायर्ड. जबरदस्ती पढ़ाइयां मत करिए. आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी एक प्लेटफॉर्म बनाने की अपने करियर में, एक फॉर्मल नॉलेज की, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं. दोबारा पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट, ज्यादा से ज्यादा अच्छे एम्प्लॉयर्स, ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफीज में काम करिए. अपना काम करने के स्कोप को वाइडन करिए. डू द बेस्ट वर्क दैट यू कैन एंड यू विल एंड अप बीइंग द पार्टनर, बीइंग द टॉप-नॉच गाय इन योर जॉब. दैट्स इट. तो मैंने अभी तक के क्या बोला एक बार दोबारा बोल रहा हूँ. अपने 3 सालों में, अपने 3 साल के अंडर ग्रेजुएशन में 2 लेवल्स ऑफ CFA क्वालिफाई करके एक अच्छी सी जॉब ले लो. उसके बाद 2 से 3 साल उस जॉब में बने रहो और साथ साथ में अपना 3rd level ऑफ CFA कंप्लीट कर लो. इसके बाद अगर जॉब डोमेन शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है तो MBA या कोई मास्टर्स प्लान करना, वरना यू आर डूइंग जस्ट फाइन विद अंडर ग्रेजुएशन प्लस CFA. सर वुड CFA अलोन बी इनफ? हेल यस. अगर कोई कहता है कि इनफ नहीं होगी तो आई एम टेलिंग यू दैट पर्सन हैज नॉट बीन इनटू द मार्केट, नॉट डन द बेस्ट जॉब्स, ही इज मिसगाइडिंग, जस्ट इग्नोर इट. एक और रेलेवेंट सवाल जो कैंडिडेट्स के मन में आता है, इंडिया में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया है, दैट प्लान इज कॉल्ड FYUP. मतलब अगर आप चाहें तो अपने अंडर ग्रेजुएशन को 4 साल का कर सकते हैं. FYUP मीन्स 4-year अंडर ग्रेजुएशन प्लान, है ना. मेरा ये एडवाइस है, ये 4th year ऑफ अंडर ग्रेजुएशन प्लीज मत करिए. बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं सर हमें ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, हम इसके बेसिस पे अमेरिका जा पाएंगे एंड दिस एंड दैट एंड व्हाट नॉट. माय सिंपल आंसर टू देम इज, तुम्हें क्या लग रहा है, जब तक इंडिया में 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी कोई अमेरिका नहीं जाता था. अगर वो 3 साल पे ही जा पा रहे थे तो तुम 4th साल की क्यों अंडर ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो? सर हमें एक्स्ट्रा ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सब कहानीबाजी है. 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन इज इनफ, और कुछ मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है. 3 ईयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएशन प्लस 1 solid course विल लैंड यू अप इन द बेस्ट करियर दैट यू कैन इमेजिन. दिस वॉज ऑल एज फार एज माय इनसाइट्स ऑन CFA with undergraduation of commerce discipline is concerned. चाहे आप BCom honors कर रहे हो, चाहे BCom program कर रहे हो, चाहे BBA कर रहे हो, चाहे BFIA कर रहे हो, चाहे BAF कर रहे हो, चाहे undergraduation का कोई भी course कर रहे हो, कोई भी नाम से BBE, ये वो बहुत सारे courses चलते हैं, 70% content same है सब में. आप कोई भी program करते हो, ये video आपके लिए 100% relevant थी. ध्यान से इस video को सुनिएगा, अगर कोई doubts हो तो comment section में लिखिएगा. That is it as far as this discussion was concerned. Thanks a lot, take care, and as I always say, may God be by your side.